स्टूडेंट्स आज हम लिक्विफायर टूल करेंगे। लिक्विफायर टूल बेसिकली क्या होता है? लिक्विफायर टूल में हम फोटो रिटच करते हैं। फोटो रिटच करने का मकसद क्या होता है कि आपने किसी भी पिक्चर में जाके उसको रिटचिंग कर दी। रिटचिंग क्या होती है कि आपने उसकी जो है फेस लिया उसको रिटच करना है, यानी कि उस पर आपने किसी की आई छोटी है तो आप उसको बड़ा कर रहे हैं, किसी की नोज टेढ़ी है तो आपने उसको सीधी कर दी, कि और भी कोई भी फोटो में आपको कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है या आप उसको बनाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, जो कि मोबाइल में काफी ऐप होती है इसकी, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका फोटोशॉप में ये टूल मौजूद है। अब अगर मैं आपको इसका सिलेबस दिखाना चाहूँ तो सिलेबस में आप देखें कि लिक्विफाई बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि है क्या। लिक्विफाई आपका फोटो रिटच के अंदर है और यहाँ पर ये चीज है, देखिए ये फोटो रिटच में आप ये लिक्विफाई आप देख रहे हैं, इनके फेसेस किस तरह से चेंज हुए, ये पोस्टर्स आपने बनाने हैं, ये देखिए ये लिक्विफाई किस तरह से क्या है, ये देखिए ये। लेकिन आपको बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा, अभी कुछ चीजें आएंगी। ये लिक्विफाई इफेक्ट है, ये लिक्विफाई इफेक्ट है, ये देखिए बिफोर आफ्टर आपने इस तरह से करना होगा, ठीक है। इस तरह से आपने बिफोर आफ्टर करना होगा, इस तरह से आपने, ये सारे आपके लिक्विफाई इफेक्ट है जिन पे आप काम करेंगे, ठीक है। ये सारे लिक्विफाई इफेक्ट हैं, इसमें आप मुख्तलिफ तरीकों से इसको देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ पिक्चर्स को बनाना है, कुछ पिक्चर्स को रखना है, कम से कम आपकी 6-7 पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये आपने मोकअप टाइप का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लिक्विफाई इफेक्ट है। लिक्विफाई इफेक्ट बेसिकली आपकी इसी चीज को वो करता है कि आप ने कोई भी पिक्चर हो, कोई भी फोटो हो, कोई भी चीज हो, उसको चेंज करना, उसमें चेंजेस लाने हैं आपने, उसके अंदर आपने जो है एक टचअप देना है, उस पिक्चर को टचअप करके आपने काम करना है, तो उसके लिए जो है वो लिक्विफाई इफेक्ट हमारा यूज होता है और हम वो लिक्विफाई इफेक्ट को काम करते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर ये पिक्चर देखें तो ये पिक्चर जो है एक ये ओरिजिनल है, इसमें देखें ये लिक्विफाई इफेक्ट से ये बिल्कुल ही इसका फेस चेंज कर दिया है, बॉडी चेंज कर दी है। इसी तरह से ये पिक्चर है, आप देखें ये चेंजेस करके फेस को बड़ा कर दिया है कट करके, ठीक है ना, और बॉडी को छोटा कर दिया है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है इसमें लिक्विफाई इफेक्ट देंगे। अब आप आते हैं यहाँ पर, हम कोई भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको डाउनलोडिंग और वो करने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें टाइम अपना वेस्ट करें या टाइम लगाएं, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर जो है लोरेस क्लिप गैलरी में भी मौजूद है, दूर आपके पास लोरेस क्लिप गैलरी में भी मौजूद है और यहाँ पर वैसे भी मौजूद है। अगर मैं फेसेस लूँ या मैं पीपल में से ले लूँ, ठीक है ना, तो आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर को लेकर उस पर वर्किंग कर सकते हैं और उसको वो दे सकते हैं, ठीक है ना। फर्ज करें मैं ये वाली पिक्चर अगर ले लेती हूँ, ये पिक्चर मेरे पास आ गई, अब लिक्विफाई इफेक्ट ये लेयर मेरी मौजूद है, ठीक है ना। जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे वो काम आपका, किस तरह से ये वाली मैंने न्यू लेयर ले ली, मुझे इस पर लिक्विफाई इफेक्ट देना। फिल्टर में जाएंगे हम, लिक्विफाई मेरे पास ये पूरा एक यानी कि पैनल खुल जाएगा लिक्विफाई का, ये पैनल खुल गया, आपके पास एक टूल खुल गया है, ठीक है, अलग से। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ, दरअसल ये पिक्चर मैंने अच्छी नहीं ली है, तो ये आपको बहुत ब्राइट है ये पिक्चर ना, कोई ऐसी पिक्चर लेती हूँ मैं जिसके अंदर थोड़ी डार्कनेस हो ताकि आपको समझ में आए जब मैं इस पर इफेक्ट दूँ। इसमें से जो है मैं कोई ये वाली पिक्चर ले ली, ठीक है, ये पिक्चर मैंने ली, कंट्रोल मैंने जे कर दिया इसको, ठीक है। अब कंट्रोल जे, अच्छा इसकी शॉर्टकट देख लें आप लिक्विफाई की, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ठीक है। ये वैनिशिंग पॉइंट में करवा चुकी हूँ ना आप लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा, टेस्ट होंगे इसमें सारी चीज़ें पूछूंगी मैं। यहाँ पर ये चीज क्या है, फॉरवर्ड रैप। फॉरवर्ड रैप का मकसद ये होता है कि आपको रैपिंग फॉरवर्ड करनी है, यानी कि आपने जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है, इस चीज को हटाना है, चौड़ा करना है, ये इस तरह, ठीक है, ये फॉरवर्ड रैप है आपने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये रिकंस्ट्रक्ट है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है जो चेंजेस आपने किए हैं उसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अभी ऑल भी हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें ये स्मूथ, स्मूथ टूल जो है ये इस तरह से स्मूथिंग करता है आपकी चीज़ों की, कि आपने स्मूथली कुछ इफेक्ट्स ऐसे करने हैं, कुछ इफेक्ट्स ऐसे देने हैं जो स्मूथली आपके वो हों।
अब ये स्मूथ टूल आपका सिर्फ जस्ट सिंपल चीजों पे काम करेगा, ठीक है ना। ये स्मूथ टूल इस तरह से होता है, अगर मैं यहाँ पर इसको रिकंस्ट्रक्ट और लूँ, यानी कि यहाँ पर जो है इसको हटा दूँ, मैं यहाँ पर इसको भी हटा दूँ, रिस्टोर ऑल, तो तमाम चीज़ें नॉर्मल हो गई मेरी, ठीक है। तमाम चीज़ें नॉर्मल होने के बाद मैं वापस से स्मूथ टूल लेती हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए अभी नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई और टूल लेकर और इसको स्मूथ करूँगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इस पर वर्किंग करेगा। देखिए ये इसको स्मूथ एक एक स्टेप पे मैं करना चाहूँ, कुछ चीज़ें गलत हो गई आपके, आप स्मूथ टूल लेके उसे थोड़ा सा सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ट्यूरल, ट्यूरल से क्या होगा आपका, ट्यूरल से आप कर्लिंग आपकी कर्ल होगी कोई भी चीज़, यदि ट्यूरल होगी क्लॉकवाइज आपकी जो है ट्यूरल हो रहा है, ठीक है। जैसे हेयर है और कर्लिंग देनी है मुझे, कर्ल करना है इसको, इस तरह से ट्यूरल कर। अब आप नाक को कान को तो इससे नहीं यूज कर सकते ना, तो हम हेयर को लेते हैं, आप कर भी सकते हैं कोई चीज अगर यूज करना है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये पकड़ टूल और ये है ब्लॉक टूल। ब्लॉक टूल का मतलब है कॉन्वेक्स और पकड़ टूल का मतलब है कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स अंदर और कॉन्वेक्स मीन्स बाहर, जैसा कि आपने वहां पर वो बताया था जो मैंने आपको एक वो दिया था सेफिराइज से करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ ये ब्लॉक, देखिए ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ ये पकड़ टूल, तो पकड़ टूल से आप नाक छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने पीछे चेंज हो गई है, सही। अच्छा यहाँ पर जो है ये चीज हो गई, रिस्टोर ऑल कर लेती हूँ मैं, सारी चीजें हो गई, वरना स्मूथ करके एक एक चीज होगी आपकी, रिकंस्ट्रक्ट करके एक एक होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है पुश लेफ्ट, पुश लेफ्ट जो है आपका इस तरह से लेफ्ट की साइड पे, यानी पुश करता है ये, कोई चीज आपको मोटी दिखानी है या वो करनी है तो आप उसको बॉडी को किसी को वो करना है तो आप पुश लेफ्ट करके उसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आप अगर स्मूथ टूल लेंगे यहाँ पर, देखिए अभी स्मूथ टूल आपका काम आएगा, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से आप स्मूथली करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी ये स्मूथली आप सेट करेंगे, वरना आप रीच को नॉर्मल यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद ये फ्रीज, देखिए मैं ये इसका फेस फ्रीज कर लूँ, मैं चाह रही हूँ जो मैं इफेक्ट करूँ ना वो इसके फेस पे नहीं आए, यहाँ जहाँ जहाँ रेड कलर है ना ये फ्रीज हो गया है, इस पर वो इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है ये टूल लेती हूँ, या ये मैं ये वाला टूल लेती हूँ और मैं यहाँ पर कर लूँ, देखिए ये तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये फ्रीज हुआ हुआ है। फ्रीज जो है आपका ये टूल वो करता है, ठीक है ना, फ्रीज मास्क कर देता है। इरेज कर दें आप थोड़ा टूल तो ये इरेज जाएगा, अब ये इस पे काम करेगा। अब अगर मैं कोई भी चीज़ लूँगी तो ये इसके यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर जो है आपका ये बेसिकली आपका जो है फेस टूल है। फेस टूल में यहाँ पर ये है, अगर फेस अवेयर यहाँ पर लें आप तो देखिए यहाँ पर अगर आइस को हम लेते हैं, यहाँ पर आइस, अगर आइस को आप लेते हैं यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते आते हैं, तो यहाँ पर जो है इस पे ये चीज़ नहीं होगी ना, क्योंकि ये कर दिया मैंने और इसको ये कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्ट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे पास, ठीक है। आप डायरेक्ट कैसे लेंगे, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको ले, नहीं यहीं से हमें करना पड़ेगा, ये आई हाइट, आई विड्थ, आई टिल और आई डिस्टेंस। आई डिस्टेंस अगर मैं दूँ यहाँ पर, देख रहे हैं आप आई डिस्टेंस हो रहा है, देख रहे हैं आई डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस आपको बढ़ा रहा है, ये आई टिल दोनों को आपको चाहिए यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा मूव हो रहा है। अब मैं एनिमेशन बताऊंगी ना, तो ये एनिमेशन आप जब देंगे ना इस तरह की, तो वो बड़ी जबरदस्त चीज बनेगी आपकी, ठीक है ना। 7 बज गया, आप लोग जगह दे दीजिए, उड़ जाइए 7 बजे वालों कुछ लोग बनते वीडियो चले। यहाँ पर जो है ये चीज हो गई, कोई बात नहीं, जब चीज चलती है वैसे टेम्परेरी हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज देख लिया आपने, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आपने नोज टू ले लिया, यहाँ पर ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों पे काम
ले सकते हैं, सारी चीजों पे काम कर सकते हैं आप, सारी चीजों पे काम ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने जो है यहाँ पर, आपने यहाँ पर ये चीज कर दी, यहाँ पर अपर लिप, देखिए अपर लिप और लोअर लिप, ये सब पे काम होगा, पिक्चर पे डिपेंड करता है। अगर किसी में नहीं हो रहा हो तो आप पिक्चर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज, तो ये चीजों पे आपका ये हैंड है आपका, अगर आपको मूव करना है पिक्चर और मूव करके आपको लेनी है तो आप जो है मूव करके ले सकते हैं और आप वैसे ले सकते हैं। यहाँ पर जूम करना है आपने, ये जूम कर सकते हैं आप, और जूम करके भी आप मूव कर सकते हैं पिक्चर का कोई हिस्सा ऐसा देखना है जो आपने लिफ्ट पे कर रहे हैं आप, तो आपको लिफ्ट पे कुछ इफेक्ट नजर नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख लें, इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है इस तरह से। और आप जो है इसको यहाँ से जो है वो करेंगे ऑल्ट के साथ दबा दें तो ये आपका ये हो जाएगा, फिर आप ये कर लें तो ये जाएगा ऑल्ट के साथ आपका जूम आउट हो जाएगा, ये ठीक है, जूम इन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इस तरह से ये हमारी लिक्विफाई की कमांड थी और लिक्विफाई की कमांड हमारी कंप्लीट हो गई है। और जो है नेक्स्ट